वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। टॉपिक आपका भले ही छोटा है पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इवन आपका जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस है उसमें भी आपका टॉपिक है और वहां भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, जो आपकी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको एक ऐसी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको आपके प्लांट्स यूज कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसमें आपके अलग अलग स्टेप्स आते हैं, किस तरह से आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, सपोज हमारे पास है आपकी नाइट्रोजन जिसको कन्वर्ट किया जाता है आपका अमोनिया में, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं आपका अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। फिर जो आपका अमोनिया है, अमोनिया से आपके बनाए जाते हैं नाइट्राइट्स, और नाइट्राइट्स से आपके बनते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स से क्या बनते हैं आपके, नाइट्रेट्स, ठीक है। और फाइनली जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं नाइट्रेट्स से बनते हैं आपकी दोबारा से नाइट्रोजन, ठीक है। देखो जो है आपका अमोनिया से नाइट्राइट्स बनाना है और नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनाना है, इन दोनों स्टेप को हम बोलते हैं आपका नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। और जो आपका नाइट्रेट्स से नाइट्रोजन बनाना है इस स्टेप को हम बोलते हैं आपका डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब इन स्टेप्स पे क्या है, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अपना काम करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले अमोनिया से जब नाइट्राइट्स बनाते हैं तो यहां पे आपका एंजाइम आता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और आपका नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, ठीक है। जब नाइट्राइट से आपके नाइट्रेट्स बनाते हैं यहां पे आता है आपका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। और फिर आपका नाइट्रेट्स से जब आपका नाइट्रोजन बनता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन का स्टेप, यहां पे जो आपके एंजाइम आते हैं वो है एक तो आपका थायोबैसिलस, थायोबैसिलस और आपका सूडोमोनास, सूडोमोनास, ठीक है। तो यहां पे आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपकी क्या चीज होती है और कौन से आपके एंजाइम यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको इतना समझना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक एंजाइम का नाम दे रखा है वो है आपका नाइट्रोजिनेज। देखो जो आपका नाइट्रोजिनेज है ये आपका एक आयरन मोलिबेडनम प्रोटीन है, आयरन मोलिबेडनम प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पर इसकी खासियत क्या है, जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि ये सिर्फ आपका प्रोकैरियोट्स में मिलता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि द एंजाइम विच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स इज आपका नाइट्रोजिनेज, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये है आपका ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जब इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करनी है ये एरोबिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, पर जब टाइम आता है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है ये आपका एनएरोबिक हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से ये खुद को बचाएगा किसी भी तरीके से सो दैट इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये आपका कैसा एंजाइम है, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है। फिर उसी के साथ साथ हमारे पास यहां पे होता है लैग हीमोग्लोबिन,
लेग हीमोग्लोबिन। जो आपका लेग हीमोग्लोबिन है ये आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका लेग हीमोग्लोबिन, आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम आपका ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा। फिर जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस तरह से काम करता है, ये आपका नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है आपके अमोनिया में, ठीक है। और नाइट्रोजन को जब ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो यहां पे एक अमोनिया बनाने के लिए 8 एटीपी का यूज होता है। कितनी एटीपी यूज होती है यहां पे आपकी, 8 एटीपी किसके लिए, एक अमोनिया के लिए 8 एटीपी पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं आपके डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपके आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले हम आपका देखेंगे कुछ आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन से जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। आपके दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होते हैं आपके फ्री लिविंग जो फ्री रहते हैं आपके, और दूसरे होते हैं आपके सिम्बायोटिक जो किसी एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक। तो देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें आपके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्री लिविंग है कौन सा सिम्बायोटिक है, ठीक है। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो फ्री लिविंग है वो है आपका एजोबैक्टर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एजोस्पाइरिलम, फिर है तीसरा आपका बेजरिंकिया जो भी प्रोनंसिएशन आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्लोस्ट्रिडम, ठीक है, एजोबैक्टर एजोस्पाइरिलम बेजरिंकिया और क्लोस्ट्रिडम। फिर आ जाते हैं आपके जो सिम्बायोटिक वाले हैं, सिम्बायोटिक में देखो क्या क्या आता है। सिम्बायोटिक में आता है आपका पहले सबसे राइजोबियम। देखो जो आपका राइजोबियम होता है ये आपको मिलता है लेग्यूम्स की रूट में, ये कहां मिलता है आपका रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स आपके पल्सिस लेंटिल्स वगैरह, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल आता है आपका एरोराइजोबियम, ठीक है। जो आपका एरोराइजोबियम है ये मिलता है आपका स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सिस्बानिया, स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सिस्बानिया, या फिर आपका मेल्स में भी ये भी मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आपका एग्जांपल आता है आपका फ्रेंकिया। देखो जो आपका फ्रेंकिया है ये आपका नॉन लेग्यूमिनस में मिलता है, इसमें मिलता है आपका नॉन लेग्यूम्स का। यहाँ पे आपके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके रूबस, अल्नस, और थर्ड है आपका कैसुरीना। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है आपका एसिटोबैक्टर जो कि आपका मिलता है शुगर केन, ठीक है। तो देखो फ्री लिविंग में हो गया आपका एजोबैक्टर एजोस्पाइरिलम बेजरिंकिया, एक और यहां पे होता है आपका जो कि है आपका बेसिलस, ठीक है। देन आपका क्लोस्ट्रिडम और एक आपका रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। तो ये हो गए आपके फ्री लिविंग के एग्जांपल। इसमें देखो
जो आपका एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, बेजरिंकिया और जो बेसिलस है, ये आपके कैसे हैं? ये है आपके एरोबिक, ये है आपके एरोबिक। और जो आपके ये दो हैं क्लोस्ट्रिडम और रोडोस्पाइरिलम, ये है आपके एनएरोबिक, एनएरोबिक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे बैक्टीरिया तो हो गए कंप्लीट। फिर यहीं पे आ जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसे हम बोलते हैं आपके ब्लू ग्रीनरी। देखो इसके लिए स्पेस नहीं है तो इसको हम यहां लिख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया को। देखो साइनोबैक्टीरिया का भी सेम केस, आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो आपके फ्री लिविंग और दूसरे आपके सिंबायोटिक। ठीक है, तो देखो फ्री लिविंग में आपके एग्जांपल आते हैं नोस्टोक, एनेबिना, देन आपका ओलोसिरा और फोर्थ है आपका ओसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये चार एग्जांपल हो गए आपके फ्री लिविंग के। अब इसमें देखो जो आपका नोस्टोक और एनेबिना है, ये दोनों आपके सिंबायोटिक कंडीशन में भी मिल सकते हैं, ये दोनों मिल सकते हैं आपके साइकस की रूट्स में, साइकस रूट्स। ठीक है, और फिर जो आपका एनेबिना है ये आपका सिंबायोटिक में मिल सकता है आपकी अजोला लीव्स में, अजोला प्लांट की लीव्स में। ठीक है, अजोला लीव्स। तो देखो इस वाले पार्ट में आपको जो एग्जांपल्स है ये आपको याद होना काफी इंपॉर्टेंट। फिर थोड़ा सा अगर याद रखो रक्स को तो एरोबिक एनोरोबिक कौन सा ये याद रख लेना, फ्री लिविंग सिंबायोटिक, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका हो गया बेसिक जो आपका कन्वर्जन किस तरह से होता है। ठीक है, देखो जो आपका नाइट्रोजनेज है ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ये आपका नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है जहां पे 8 एटीपी आपकी यूज होती है एक अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एक चीज और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो अमोनिया है ये आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो इतना ही था। ठीक है, उसके साथ साथ फिर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होता है, जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं, एक तो कंडीशन क्या है नाइट्रेट्स को आपके प्लांट्स डायरेक्टली एसिमिलेट कर सकते हैं, फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं इनको फर्दर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें भी आपके दो फेट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें इनको और कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग चीजों में और फिर उनको आपके प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। तो नाइट्रेट से क्या दो फेट हो सकते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इसके बारे में आपको। जो आपके नाइट्रेट्स है, ठीक है, नाइट्रेट्स के आपके दो फेट हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्या होता है इसमें आपका जो नाइट्रेट, जो आपका नाइट्रेट है उसको NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर उसको आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, जिससे आपका बन जाता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आपका। ठीक है, एक तो यह हो गया, दूसरा क्या होता है जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं उसमें जो आपके ट्रांस अमाइनेशन होती है, क्या होती है आपकी ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन में क्या होता है जो आपका अमाइनो ग्रुप होता है उसको एक अमाइनो एसिड से उठाकर दूसरे अमाइनो एसिड पे डाल दिया जाता है। मेनली इसमें आपका जो ग्लूटामिक एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड के अमाइनो ग्रुप को हटा के किसी दूसरे अमाइनो एसिड पे डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर अमाइनो एसिड। ठीक है,
ये और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फाइनली फिक्सेशन होने के बाद जो अमोनिया है या नाइट्रेट्स है उनका क्या फेट आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और कुछ भी आपको MDUCE के रिगार्डिंग पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।